इस फिल्म की कहानी ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया, खूब सारी मेहनत की और समय समय पर अपने सब्र और धैर्य का इंतहा भी किया। इस फिल्म की कहानी ऐसे ही एक आदमी की है जिसका नाम क्रिस गार्डनर है। संघर्ष के मामले में सारी हदें पार कर देता है। जब इसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है तो यह आदमी रेलवे के बाथरूम में सोकर अपना रात गुजारता है, मगर एक दिन इसकी मेहनत और संघर्ष इसका साथ देती है और इसकी बदौलत क्रिस गार्डनर एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में अपना नाम जोड़ लेता है। मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस एक्सप्लेन की हुई मूवी आपको कितनी अच्छी लगी इसकी रेटिंग जरूर कर दीजिएगा। इस एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे 5 में से कितने स्टार देना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी जिसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम क्रिस गार्डनर होता है। इसके हाथ में एक बॉक्स होता है। क्रिस इस बॉक्स को डॉक्टर्स के पास बेचने का काम करता है। दरअसल क्रिस एक सेल्समैन होता है और ये बॉक्स जो इसके पास होता है इसका नाम पोर्टेबल बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन होता है। यह मशीन एक तरह से एक्सरे के जैसा ही काम करता है, पर इस मशीन की कीमत बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से क्रिस इसे बेच नहीं पाता है। क्रिस ने अपनी सारी कमाई और यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया होता है और जिसके बदले में खूब सारी मशीनें खरीद लिया होता है, मगर इसकी कीमत ज्यादा होने से कोई भी डॉक्टर इस मशीन को नहीं खरीदता है। क्रिस को अपने घर के भाड़े और खर्च के लिए महीने में कम से कम 2 मशीनें बेचनी होगी। इस मशीन को बेचकर ही क्रिस अपना घर चला रहा होता है। क्रिस के परिवार में इसके साथ इसकी पत्नी लिंडा और इसका एक बेटा क्रिस्टोफर होता है। क्रिस की पत्नी क्रिस से बहुत नाराज होती है क्योंकि क्रिस पिछले 2 महीने से एक ही मशीन नहीं बेचा होता है, जिसकी वजह से घर का खर्च लिंडा चला रही होती है। लिंडा एक छोटी सी कंपनी में डबल शिफ्ट काम कर रही होती है ताकि घर का खर्च चल सके। इसी तरह क्रिस का पूरा परिवार आर्थिक रूप से जूझ रहा होता है। एक दिन क्रिस अपने मशीन को बेचने के लिए जाता है। रास्ते में क्रिस को एक शानदार कार से उतरते हुए एक आदमी दिखता है। क्रिस इस आदमी से पूछता है कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तभी आदमी इसे बताता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस इसे पूछता है कि इसके लिए तो कॉलेज की डिग्री की जरूरत पड़ती होगी। तभी आदमी क्रिस को बताता है कि नहीं, इसके लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, बस इसके लिए एक टेस्ट पास करनी होती है और उसके बाद लोगों से अच्छे से बात करनी होती है। इस आदमी की बात सुनकर क्रिस अपने आसपास के लोगों को देखता है जो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। इन सभी को खुश देखकर क्रिस भी अब स्टॉक ब्रोकर बनने की सोचता है। क्रिस अपने घर जाता है और ये बात अपनी पत्नी को बताता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर की जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, जिस पर लिंडा क्रिस से बोलती है इससे खराब जॉब और नहीं है, क्या तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते हो। दरअसल लिंडा ये बात गुस्से में कही होती है क्योंकि पिछले 2 महीने से क्रिस घर में 1 रुपया नहीं दिया होता है और ना ही 1 भी स्कैनर मशीन बेची होती है। अगली सुबह क्रिस स्टॉक ऑफिस जाता है ताकि यहाँ से फॉर्म लेकर क्रिस स्टॉक ब्रोकर की जॉब ले सके, मगर क्रिस यहाँ गलती कर देता है। क्रिस अपने साथ स्कैनर मशीन लाया होता है जिसे ऑफिस के अंदर ना लाकर बाहर ही भिखारी को देता है और इस भिखारी को रुपए भी देता है ताकि ऑफिस से आने तक ये इस मशीन को अच्छे से संभाल कर रख सके। और क्रिस खुद खाली हाथ फॉर्म लेने जाता है, मगर इतने में ही वो भिखारी क्रिस की स्कैनर मशीन लेकर भागने लगता है। क्रिस इसका पीछा भी करता है, मगर अंत में वो क्रिस का स्कैनर मशीन लेकर भाग जाता है। अब क्रिस पूरी तरह से उदास हो जाता है और निराश होकर फॉर्म को लेकर अपने घर आ जाता है। अगली सुबह क्रिस स्कैनर मशीन बेचने के लिए निकलता है और साथ ही क्रिस्टोफर को भी रास्ते में स्कूल ड्रॉप करने जाता है। रास्ते में क्रिस क्रिस्टोफर से बातें करता हुआ जाता है। क्रिस क्रिस्टोफर से पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा निकनेम क्या है। इस पर क्रिस्टोफर बताता है कि मेरा निकनेम आयरन रॉड है। उसके बाद क्रिस्टोफर क्रिस से पूछता है कि डैड आपका निकनेम क्या था। इस पर क्रिस बताता है कि मेरा निकनेम बड़े सर वाला था। इस पर क्रिस्टोफर हंसता है और बोलता है बड़े सर वाला। क्रिस्टोफर को स्कूल ड्रॉप करने के बाद क्रिस स्टॉक ऑफिस आता है और भरा हुआ फॉर्म जे ट्यूशन को दे देता है। फॉर्म जमा करने के बाद क्रिस बाहर जाता है और यहाँ क्रिस को वही भिखारी दिखता है जिसने क्रिस की स्कैनर मशीन चुराई थी। क्रिस इसका पीछा करता है और उस चोर से स्कैनर मशीन ले लेता है। क्रिस दोनों मशीन लेकर अपने बेटे क्रिस्टोफर के स्कूल उसे पिकअप करने आता है। क्रिस्टोफर क्रिस के पास 2 स्कैनर मशीन देकर उदास हो जाता है और क्रिस से बोलता है डैड आपके पास ये मशीन नहीं होनी चाहिए थी और अब तो ये 2 मशीन आपके पास है। दरअसल क्रिस को ये मशीन आज किसी भी हाल में बेचनी होती है क्योंकि क्रिस जिस घर में रहता है उसका किराया 3 महीने का हो गया होता है, मगर अब तक क्रिस एक भी मशीन नहीं बेचा होता है। अंत में क्रिस इस दोनों मशीन को लेकर घर आ जाता है। घर में जब लिंडा दोनों मशीनों को देखती है तो लिंडा क्रिस पर बहुत नाराज होती है और क्रिस को बहुत सुनाती है, मगर क्रिस जिसके लिए किस्मत ने कुछ और ही चुन रखा था ये तो क्रिस के संघर्ष की शुरुआती दौर थी। ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी कि लोहा बिना पीटे तलवार नहीं बनता है, इसी तरह क्रिस को सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए अभी और लोहे की तरह पीटना था। खैर इतना होने के बाद भी क्रिस अपनी हिम्मत नहीं तोड़ता है और अगली सुबह फिर से स्टॉक ऑफिस जाता है और जे ट्यूसल से मिलता है। जे ट्यूसल किसी काम के सिलसिले में नॉर्वेली जा रहा होता है। क्रिस भी झूठ बोलता है कि मुझे भी नॉर्वेली ही जाना है। दरअसल क्रिस ट्यूसल से बात करना चाहता है और उसे इम्प्रेस करना चाहता है ताकि स्टॉक ब्रोकर की जॉब क्रिस को मिल जाए। टैक्सी में क्रिस ट्यूसल को अपने बारे में बहुत सारी बातें बताता है, मगर ट्यूसल क्रिस की बातों को इग्नोर कर रहा होता है और एक रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहा होता है।
क्रिस ये ट्यूसल से क्यूब मांग लेता है और इसे सॉल्व करने लगता है। ट्यूसल क्रिस को बोलता है कि तुम ये सॉल्व नहीं कर सकते हो, बल्कि इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है। मगर क्रिस बस इस क्यूब को सॉल्व करने में लगा होता है और बस एक ही बात बोल रहा होता है कि मुझसे ये हो जाएगा। और कुछ ही देर में क्रिस इस क्यूब को सॉल्व कर देता है, जिसे देखकर ट्यूसल आश्चर्य में पड़ जाता है। दोस्तों, इसी तरह आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपसे यही बोलते होंगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे नहीं हो सकता। मगर आप घबराना मत, बस अपने काम पर फोकस करके रखना और एक दिन सबको इसका जवाब अपनी कामयाबी से देना। खैर, बढ़ते हैं कहानी के आगे, जहां अब टैक्सी वाला दोनों को नॉर्वली तक लेकर आ जाता है। यहां जे ट्यूसल बिना पैसे दिए ही अपने काम पर चले जाते हैं और अब क्रिस की बारी होती है। पर क्रिस के पास तो बहुत कम पैसे होते हैं, इसलिए क्रिस यहाँ से पैसे दिए बगैर भागने लगता है। क्रिस को भागता देख ड्राइवर इसका पीछा करने लगता है और लास्ट में क्रिस भागते भागते एक मेट्रो में घुस जाता है। पर क्रिस तो कैसे भी इस मेट्रो में बैठ जाता है, मगर क्रिस का स्कैनर मशीन जो अब भी मेट्रो के दरवाजे के बाहर ही फंसा होता है। क्रिस पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी इस स्कैनर मशीन को अंदर ले आए, मगर मेट्रो चलने लगती है और क्रिस का स्कैनर मशीन इसी प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है और अंत में हार कर क्रिस अपने घर आ जाता है। यहाँ आने के बाद ये देखता है कि लिंडा और क्रिस्टोफर दोनों घर पर नहीं है। दरअसल लिंडा क्रिस से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, इसलिए लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर दूसरी जगह चली गई होती है। क्रिस लिंडा और क्रिस्टोफर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और तभी जे ट्यूसल का कॉल आ जाता है। जे ट्यूसल क्रिस को परसों एक मीटिंग में बुलाता है ताकि क्रिस का इंटरव्यू लिया जा सके। अगली सुबह क्रिस स्कैनर मशीन बेचने बाहर जाता है, जहां इसकी मुलाकात लिंडा से होती है। क्रिस लिंडा से बोलता है कि मुझे क्रिस्टोफर दे दो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मगर लिंडा क्रिस से कुछ भी बात नहीं करना चाहती है। लास्ट में क्रिस क्रिस्टोफर के स्कूल जाता है और इसे यहाँ से सीधा अपने घर ले आता है। मगर रूम ओनर क्रिस को घर खाली करने को बोलता है, क्योंकि क्रिस ने पिछले 3 महीने से रूम का किराया जमा नहीं किया था। पर क्रिस इसे 1 सप्ताह का टाइम मांग लेता है और साथ में इसको पूरा पेमेंट कर देने का वादा भी करता है। इस पर रूम ओनर क्रिस की बात मान लेता है और क्रिस को 1 सप्ताह का टाइम दे देता है। क्रिस अब घर को पेंट करने में जुट जाता है और तभी इसके यहाँ पुलिस आ जाती है और क्रिस को पकड़कर सीधा थाने ले आती है। दरअसल क्रिस के पास एक गाड़ी थी जिसे क्रिस ने नो पार्किंग वाले एरिया में लगा रखी थी, इसलिए पुलिस इसका जुर्माना क्रिस से वसूल करना चाहती है। पर क्रिस के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे ये जुर्माना भर सके। पुलिस क्रिस को बताती है कि आज पूरी रात तुम्हें जेल में ही बितानी होगी और सुनवाई के बाद हम तुम्हें कल 9:30 बजे छोड़ देंगे। क्रिस पुलिस से बोलता है कि कल तो मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। इस पर पुलिस इसकी एक नहीं सुनता है और अब क्रिस को पूरी रात जेल में ही बितानी पड़ती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो क्रिस जेल से छूटने के बाद दौड़ने लगता है, क्योंकि आधे घंटे के बाद इसका इंटरव्यू शुरू होने वाला था। क्रिस बिना कुछ देखे बस भागता जाता है और कुछ ही देर में क्रिस सभी इंटरव्यूअर के पास आ जाता है। क्रिस यहाँ सभी के सामने सच बताता है कि कैसे पार्किंग फाइन नहीं भरने की वजह से पुलिस इसे 1 रात तक जेल में रखी थी। क्रिस जब घर में पेंट कर रहा था तभी पुलिस इसे अरेस्ट कर ले गई थी, इसलिए क्रिस के पूरे शरीर में पेंट का दाग लगा हुआ था। क्रिस यहाँ इन सभी के सवालों के जवाब दे देता है, पर इन्हीं इंटरव्यूअर में एक हेड होता है जिसका नाम मार्टिन फाउन होता है, जो क्रिस से बोलता है कि क्रिस, अगर कोई आदमी बिना शर्ट के मेरे यहाँ इंटरव्यू देने आता है और अगर मैं उसे जॉब पर रख लूं तो तुम क्या कहोगे। दरअसल मिस्टर फाउन ने ऐसी बात इसलिए कही होती है क्योंकि क्रिस अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं और पूरे शरीर में पेंट की दाग लगाए हुए होता है। मगर क्रिस भी इसके सवालों का जवाब दे देता है। क्रिस बोलता है, तब तो आदमी ने एक अच्छी सी पैंट पहनी होगी। क्रिस की बात सुनकर यहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद क्रिस ट्यूशन से बोलता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जॉब की गारंटी भी नहीं है और ना ही इसमें सैलरी की गारंटी है। दरअसल इस इंटरव्यू के बाद क्रिस के साथ 20 लोग होंगे जिन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और तब जाकर इन 20 में से कोई एक सेलेक्ट होगा जिसे जॉब मिलेगी। मगर ट्यूसल कैसे भी करके क्रिस को मना लेता है। क्रिस भी अब इसी उम्मीद से मान जाता है कि कुछ भी हो अब इसे हर हाल में ये जॉब तो लेनी ही है। क्रिस का समय इसी तरह बीतता रहता है और एक दिन क्रिस की पत्नी लिंडा इसे छोड़कर जाने लगती है, मगर क्रिस अपने साथ क्रिस्टोफर को रख लेता है और अब क्रिस अपने इंटर्नशिप की ओर ध्यान देने लग जाता है। इस इंटर्नशिप में टोटल 20 लोग शामिल होते हैं। 6 महीने के बाद इन सभी का टेस्ट होना था और इन 6 महीनों में इन्हें क्लाइंट्स के नंबर भी दिए जाते हैं और जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा नंबर और सबसे ज्यादा क्लाइंट इकट्ठे करेगा उसे जॉब मिल जाएगी। क्रिस पूरी मेहनत से अपने काम में जुट जाता है। ये 1 सेकंड के लिए भी फोन अपने कानों से नहीं हटाता है और ना ही क्रिस पानी पीने के लिए जाता है, क्योंकि क्रिस सोचता है कि अगर ये पानी पीने जाएगा तो इसे बाथरूम जाना पड़ेगा जिससे इसका टाइम बर्बाद हो जाएगा। क्रिस हर रोज खूब मेहनत करता है और इसी के साथ क्रिस क्रिस्टोफर को स्कूल से पिकअप भी करता है, पर पूरे 2 महीने के बाद भी क्रिस का काम उतना अच्छा नहीं चल रहा था। क्रिस को क्लाइंट की सीट मिली होती है जिसमें टॉप से लेकर लोअर तक सभी क्लाइंट्स के नंबर थे। क्रिस अपने लिस्ट के सबसे टॉप के पर्सन को कॉल लगाता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। उधर से वो आदमी क्रिस को 20 मिनट के अंदर मिलने को बुलाता है। ये सुनकर क्रिस बहुत खुश हो जाता है और उस पर्सन से मिलने तुरंत निकल जाता है, पर क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती है और क्रिस यहाँ लेट से पहुँचता है और जिसके बाद क्रिस को वापस लौट आना पड़ता है। अगले दिन क्रिस फिर से उस पर्सन से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ क्रिस की मुलाकात उस पर्सन से हो जाती है। इसका नाम रिवन होता है और ये एक कंपनी का सीईओ होता है। रिवन फुटबॉल देखने जा रहा होता है, इसलिए क्रिस से उतना बात नहीं
नहीं कर पाता है। क्रिस इन्हें बताता है कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ अपने एक दोस्त से मिलने। ये सुनकर रीवन उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है, जिस पर क्रिस मिस्टर रीवन की बात मान जाता है। और अब ये सभी एक प्राइवेट बॉक्स में खड़े होते हैं और यहाँ से फुटबॉल मैच को देख रहे होते हैं। क्रिस यहाँ के सभी आदमियों पर अपना इम्प्रेशन जमा लेता है और सभी को अपना कार्ड दे देता है। क्रिस अब धीरे धीरे अपनी स्थिति से उभर रहा था। ये कुछ पैसे भी जमा कर लेता है ताकि बाद में मुसीबतों के समय ये पैसे इसके काम आ सके। पर क्रिस की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और एक दिन क्रिस के खाते से सारे पैसे टैक्स के रूप में काट लिए जाते हैं। और अब क्रिस फिर से एक बार सड़क पर आ जाता है। अब इस पर फिर से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। क्रिस को एक बार फिर घर से भगा दिया जाता है। ये समय रात का होता है। क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आता है और ये सीधा यहाँ से रेलवे स्टेशन आ जाता है। क्रिस यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होता है और इसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये क्या करे। इसलिए क्रिस अपनी रात बिताने के लिए रेलवे के बाथरूम में आ जाता है और खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। क्रिस मजबूर था क्योंकि इसे रात बितानी थी। क्रिस यहाँ अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ लेट जाता है और मन ही मन अपनी किस्मत पर बहुत रोता है। क्रिस ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ सकते हैं। पर सच में ये स्थिति क्रिस गार्डनर के लिए बहुत ही असहनीय होता है। अब क्रिस के पास ना ही कोई घर होता है ना ही कोई पैसे होते हैं। अगले दिन क्रिस घर की तलाश में एक अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। यहाँ रूम के लिए सभी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। क्रिस भी इनके साथ लाइन में लगा होता है, मगर लास्ट में क्रिस को एक कमरा मिल जाता है। पर ये रूम सिर्फ एक रात के लिए होता है। अगले दिन अगर क्रिस को यहाँ रहना है तो इसे फिर से लाइन में लगनी होगी। क्रिस एक बार फिर से अपने कामों में जुट जाता है और ऑफिस का काम जल्दी से निपटा कर फिर से एक बार अनाथ आश्रम की ओर दौड़ता है। इस बार फिर से क्रिस को एक कमरा मिल जाता है। रात को जब चर्च में प्रे हो रही होती है तब क्रिस क्रिस्टोफर को गले से लगाकर खूब रोने लगता है। क्रिस ने अपने जीवन में इतने दुख झेल लिए होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। इसके बुरे वक्त में इसकी अपनी पत्नी भी इसे छोड़कर चली जाती है, मगर फिर भी क्रिस के लिए एक बात तो कहनी होगी कि इतने दुख के बावजूद भी इसने हिम्मत नहीं हारी होती है। अब अगले दिन क्रिस के लिए बहुत ही खास दिन होता है क्योंकि क्रिस ने आज पूरे 6 महीने तक इस कंपनी के लिए काम किया और आज इसका टेस्ट का दिन होता है। क्रिस अच्छे से टेस्ट दे देता है और जल्दी से अनाथ आश्रम की ओर दौड़ता है, मगर आज क्रिस का दिन अच्छा नहीं होता है। क्रिस को आज कोई कमरा नहीं मिलता है। क्रिस अपनी रात एक ट्रेन में ही गुजार देता है। अगले दिन क्रिस एक स्कैनर मशीन बेचने में सफल हो जाता है और अब क्रिस अपनी रात एक होटल में बिताता है। अब वो दिन आ जाता है जब क्रिस को उसकी मेहनत का फल मिलने वाला होता है। क्रिस को एक बार फिर से सभी के पास बुलाया जाता है। यहाँ क्रिस से मिस्टर फॉन मिलते हैं जो क्रिस को देखकर बोलते हैं कि आज तुमने अच्छी और नई शर्ट पहनी है और कल से भी यही शर्ट पहन कर आना। यानी अब क्रिस को स्टॉक ब्रोकर की जॉब मिल चुकी है। ये सुनकर क्रिस की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्रिस ने जितने भी कष्ट और संघर्ष किया था ये उसका इनाम था। क्रिस आज बहुत खुश होता है, इसलिए वो दौड़कर अपने बेटे क्रिस्टोफर को गले से लगा लेता है। आगे चलकर क्रिस गार्डनर एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज कंपनी खोलता है और फिल्म के एंड में हमें असली क्रिस गार्डनर को दिखाया जाता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी इस एक्सप्लेनेशन के लिए आप कितने स्टार देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर मूवी।